बस्तर में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बस्तर पुलिस ने कमर कस ली है। नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए पुलिस समय समय पर अपनी रणनीति बदलती रहती है। इसी का नतीजा रहा कि साल 2020 में बस्तर पुलिस को कई सफलताएं मिली। साल 2020 नक्सल मोर्चे पर पुलिस के लिए सफल रहा। इस साल नक्सली घटनाओं में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। पुलिस ने नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन इलाकों में इस साल 16 नए कैंप खोलने में सफलता मिली है। बस्तर संभाग में स्थानीय जनता के सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2020 में 16 नया बेस कैंप्स प्रारंभ किए गए थे। इन कैंप्स के माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इलाका का जो विकास कार्य को सुरक्षा देने के लिए और जनता के बीच में सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए भी ये कार्य की गई है। इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम रहा और इन इलाका में जो बेस कैंप्स के माध्यम से कनेक्टिविटी के जो कार्य भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है और नक्सल का जो कोर इलाका माना जाने वाला आरमपुर जगरुंडा क्षेत्र है, पल्ली बारसूर इलाका है, जगरुंडा बासागुड़ा के बीच के क्षेत्र है और इंद्रावती नदी के ऊपर 2-3 पुल पुलिया निर्माण कार्य के लिए इत्यादि काम के लिए बेस कैंप्स प्रारंभ किए गए थे और इसका काफ़ी हमको अच्छे परिणाम को देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी इश्यूज़ का भी काफ़ी बदलाव देखने मिल रहा है। इस प्रकार के जो सुरक्षा कैंप्स के माध्यम से आने वाले समय में नक्सल अभियान के साथ साथ क्षेत्र में एक अच्छी वातावरण निर्मित करने के लिए भी हमको सफलता प्राप्त होगा। इन सब कैंप्स के पीछे मुख्य उद्देश्य ये थे जो स्थानीय जनता की सुरक्षा के साथ साथ उन कैंप के माध्यम से एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा ताकि उन इलाका में जो मूलभूत सुविधा जैसा बिजली, जो PDS दुकान है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या आंगनवाड़ी केंद्र, इस टाइप पर जो मूलभूत सुविधा को भी जनता तक मिल रहा है, इसलिए ये सब एक सक्सेसफुल मॉडल के हिसाब से काम चल रहा है। कैंप्स जो प्रारंभ किए गए थे वो स्थानीय जनता की मंशानुसार, उनकी इच्छानुसार ही प्रारंभ किए गए थे, लेकिन इन कैंप्स प्रारंभ होने के कारण से जो उन इलाका में जो नक्सल गतिविधि के ऊपर काफ़ी अच्छा अंकुश लगा पाए थे, नक्सल के जो पैर के नीचे उनके जमीन खिसक रहे थे, इस परिस्थिति को देखते हुए माओवादी द्वारा कुछ इलाके में लोगों को दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए उनका गुमराह करते हुए दूर दूर अंदरूनी क्षेत्र से ग्रामीण को सुरक्षा कैंप का विरोध करने के लिए एक माहौल बनाए जा रहे थे, लेकिन स्थानीय जनता भी इस बात को समझ लिया है। उनके बीच हम लोग का बातचीत हुआ, हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स जैसे आम चौक, बस राम चौक पुलिस, मनुआ पुना बीजापुर पुलिस, इस टाइप का जो अलग अलग इलाके में अलग अलग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, उसके माध्यम से हम जनता को सही बात गलत बात क्या है उसका समझाने में भी हमको सफलता प्राप्त हो रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति को आने वाले समय में ही हम लोग चुनौती को सामने करना पड़ेगा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है जितना हमारा कैंप्स प्रारंभ हो रहा है उसके माध्यम से इन इलाके में काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा, नक्सल संगठन कमजोर होगा, नक्सल गतिविधि के ऊपर अंकुश लगाने में हमको सफलता प्राप्त होगा। अशोक नायडू, ETV भारत, जगदलपुर।